हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम LG की एक एप्लीकेशन ऑन स्क्रीन कंट्रोल के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप LG का मॉनिटर यूज़ करते हो और आप इस एप्लीकेशन से वाकिफ नहीं हो तो मैं कहूँगा कि आप बहुत सारे फीचर्स को मिस कर रहे हो। इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप अपने मॉनिटर की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ब्लैक स्टेबिलाइजर वगैरह तो एडजस्ट कर ही सकते हो। साथ ही इस यूटिलिटी टूल के ज़रिए या फिर इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप कुछ ऐसे काम भी कर सकते हो जिससे आपका जो डेली टू डेली टास्क है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपको अपने कंप्यूटर को यूज़ करने में मज़ा आएगा। जी हाँ, इस एप्लीकेशन में ऐसे ही कुछ फीचर्स हैं। तो आइए देखते हैं इस एप्लीकेशन को, देखते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करना है और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस एप्लीकेशन की फीचर्स क्या क्या है और उनको कैसे यूज़ करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे ऑन स्क्रीन कंट्रोल नाम की ये जो यूटिलिटी टूल है इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इस वेबसाइट पर आना है lg.com/in/support। तो यहाँ पे आके आपको अपने मॉनिटर की मॉडल नंबर टाइप कर देना है, जैसे कि मेरे केस में है 27GL650F। तो अगर आपने मॉडल नंबर सही से टाइप किया है तो यहाँ पे शो करेगा, आपको सिंपली इस मॉडल नंबर पे क्लिक करना है। तो आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस दिखेगी, जैसे कि मैनुअल्स एंड डॉक्यूमेंट्स और सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स। तो मुझे अभी मैनुअल्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे मतलब है सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स से। सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर सेक्शन पे आपको तीन और ऑप्शंस मिलती हैं। बेसिकली ये एप्लीकेशन विंडोज़ और मैक दोनों के लिए उपलब्ध है, पर मुझे चाहिए यहाँ पर विंडोज़ वाला वर्जन। तो मैं यहाँ पर ये जो जीप फाइल है इसको सिंपली डाउनलोड कर लूँगा। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। चलिए अब यहाँ पे कुछ टाइम के लिए हम इंतज़ार कर लेते हैं। तो डाउनलोड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जीप फाइल पे डाउनलोड हुआ है। अब चलिए इसको सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ख़त्म होने के बाद आपको फाइल मिल जाएगी। चलिए अब इसको यहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसे आप नॉर्मली नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेते हो, ऐसे आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको करना है अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट। तो मैं अगर यहाँ पे सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ तो ये कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यही है ऑन स्क्रीन कंट्रोल एप्लीकेशन की सिंपल सा इंटरफेस। अगर आपका मॉनिटर इस एप्लीकेशन के द्वारा सही से डिटेक्ट हुआ है तो उस मॉनिटर की जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पे शो करेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन की सबसे पहला फीचर की, वह है स्क्रीन स्प्लिट। बेसिकली ये जो फीचर है ये विंडोज़ में पहले से इनबिल्ड है, पर इस एप्लीकेशन के द्वारा आपको उस फीचर की एक शॉर्टकट मिल जाती है। जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोग्राम्स ओपन रहते हैं और मल्टीपल प्रोग्राम्स के अंदर आप वर्क करते हो तो ये फीचर आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। वो कैसे? जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ओपन रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को और विंडोज़ फाइल मैनेजर को। तो अगर मुझे ये जो दो पर्टिकुलर एप्लीकेशन हैं इनको साइड बाई साइड देखना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो दो अलग अलग यहाँ पे स्क्रीन स्प्लिट हो गए हैं। अगर मुझे तीन स्क्रीन को अलग अलग जगह पे शो करना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एक और स्क्रीन खोल लेता हूँ जैसे कि गूगल क्रोम। तो हम यहाँ पे तीन अलग अलग स्क्रीन को स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो तीन अलग अलग यहाँ पे जो प्रोग्राम्स हैं ओपन हो चुके हैं। अगर मुझे इसका ओरिएंटेशन बदलना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं तीनों को साइड बाय साइड देखना चाहता हूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो तीनों यहाँ पे साइड बाय साइड सेट हो चुके हैं, तीनों जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं वो साइड बाय साइड सेट हो चुके हैं। तो बहुत ही कमाल का एक फीचर है, आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे वापस से फुल स्क्रीन कर देता हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉनिटर सेटिंग्स टैब की। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और डिस्प्ले की ओरिएंटेशन आप बदल सकते हो और साथ ही जो पिक्चर मोड है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे गेमर 1 पे सेट है, मैं गेमर 2, HDR इफेक्ट, रीडर, RTS, स्टैंडर्ड, विविड के अंदर स्विच कर सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे ब्राइटनेस को आपको थोड़ा सा बढ़ा के या फिर घटा के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ब्राइटनेस को 39 कर दिया है तो मॉनिटर ब्राइट हो रहा है, आप देख सकते हो। और वापस से अगर मैं 20 कर देता हूँ तो मॉनिटर का ब्राइटनेस वापस से घट जाएगा। तो अभी 14 हो चुका है तो मैं प्लस को वापस से कर देता हूँ 20। तो मॉनिटर की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट दोनों को ही आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, या फिर अगर आप ओरिएंटेशन बदलना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट आता हूँ मैं माई एप्लीकेशन प्रीसेट पे। ये फीचर मुझे काफ़ी पसंद है। जैसे कि अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ
तो क्या होगा, यहाँ पे आप अपनी मर्जी मुताबिक कोई एप्लीकेशन को सेट करके जो पिक्चर मोड है उसको उसके हिसाब से स्विच कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो यहाँ पे अभी पिक्चर मोड पे सेट है गेमर वन। अगर मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ रीडर मोड, तो क्या होगा, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करूंगा, ऑटोमेटिकली मॉनिटर की जो पिक्चर मोड है वो बदल के हो जाएगा रीडर मोड। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करके। तो मैं अभी करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन। तो जैसे ही मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करता हूँ, आप देख सकते हो मॉनिटर की ब्राइटनेस भी घट चुकी है और जो स्क्रीन है वो भी थोड़ा सा येलोइश हो चुका है, तो रीडर मोड पे अभी है। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से किसी और एप्लीकेशन में चला जाता हूँ, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि एप्लीकेशन के अलावा कोई और एप्लीकेशन के अंदर ये काम करना, वो भी आप इजिली कर सकते हो। कैसे करोगे, आप सिंपली एडिट पे जाइए, यहाँ पे जाके आप अपने मर्जी मुताबिक कोई एक एप्लीकेशन के अंदर पिक्चर मोड जो है वो बदल सकते हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ पेंट, तो पेंट में मैं अभी चूज कर चुका हूँ, उसके बाद मुझे इस बटन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे पेंट ऐड हो जाएगा, आपको यहाँ पे करना है वापस से सेव। तो इसके बाद अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे पेंट, ये जो एप्लीकेशन मैंने चूज किया है, वो शो करेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे पिक्चर मोड को बदलना है, गेमर वन, गेमर टू, HDR, रीडर, जो भी मैं चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। देन मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट टैब पे, जो कि है गेम मोड सेटिंग्स। यहाँ पे आप रिस्पॉन्स टाइम को चेंज कर सकते हो, फास्ट, फास्टर, ऑफ, नॉर्मल, आप ऐसे कर सकते हो। जो फ्री सिंक और जी सिंक की सेटिंग्स है वो आप यहाँ से ऑन या फिर ऑफ भी कर सकते हो। देन आता है मोशन ब्लर रिडक्शन टेक, इसको भी आप ऑन या फिर ऑफ यहाँ से कर सकते हो। साथ ही आप यहाँ पे ब्लैक स्टेबलाइजर को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स है, आप इनको यूज़ कर सकते हो। हाँ, ये जो फीचर्स यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ऑन स्क्रीन कंट्रोल एप्लीकेशन के अंदर, इसमें से जो मॉनिटर सेटिंग्स की जितने भी सेटिंग्स है और गेम मोड सेटिंग्स के अंदर जितने भी सेटिंग्स है, ये सारे के सारे सेटिंग्स आपको मॉनिटर की जो इनबिल्ट सेटिंग की ऑप्शन रहती है वहाँ पर भी मिल जाती है। इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पे छोटा सा पॉइंटर दे रखा है, अगर आप इसको ऑन रखते हो तो अगर आपका कर्सर खो जाता है, बहुत बार आपने देखा होगा कि कर्सर को ढूंढने में आपको तकलीफ होती है, तो तब आप क्या करोगे, आप सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस कर दीजिए, तो कुछ ऐसा यहाँ पे एनिमेशन होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कर्सर एग्जैक्टली कहाँ पे है। बहुत बार कर्सर ढूंढने में दिक्कत होती है, मुझे तो पर्सनली होती है। नेक्स्ट जो फीचर आता है वो है 5:9 मोड, तो बेसिकली ये स्क्रीन स्प्लिट फीचर ही एक शॉर्टकट है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है व्यू टिप्स, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस एप्लीकेशन को आपको कैसे यूज करना है वो ये एप्लीकेशन खुद ही आपको बता देगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैंने आपको ऑन स्क्रीन कंट्रोल एप्लीकेशन के बारे में ऑलमोस्ट सभी चीजें बता दिया है। अगर आप LG का मॉनिटर यूज़ करते हो तो मैं कहूँगा कि आपको इस एप्लीकेशन को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत सारे फीचर्स हैं इसके ज़रिए आपका जो डेली टू डेली टास्क है वो आसान बन जाता है, कम से कम मेरे लिए तो ऐसा होता है। अब आपके लिए क्या होगा ये आप खुद से यूज़ कीजिए, उसके बाद मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस एप्लीकेशन के ज़रिए आपका कोई फ़ायदा हुआ है या फिर नहीं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ज़रूर टैप कर देना, इससे होगा तो जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।